नमस्कार, स्वागत है डिजाइनर के पी शर्मा चैनल पर। मैं हूं कांता प्रसाद शर्मा। आज मैं आपको बताऊंगा जोधपुरी कोट की फिनिशिंग कैसे की जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं। आज हम इसकी फिनिशिंग करेंगे। सबसे पहले हम इसका कॉलर तैयार करेंगे। इस तरीके से हम इसको यहाँ पे तुरपाई कर देंगे। डबल धागे से करेंगे हम इसको। उसके बाद इस जगह हम कांटा कर देंगे। इस तरीके से हम इसको सेट कर देंगे यहाँ पर। इसी तरीके से हमें इस साइड को भी सेट करना है। एक टांका हम इस तरीके से लगा सकते हैं। यहां पर कांटा कर देंगे हम। बीच में भी इसके एक दो टांके हम लगा सकते हैं। इस तरीके से हमारे दोनों ठोके तैयार हो जाते हैं दोनों साइड के। अब हम इसमें हुक लगाएंगे। इस साइड में जिधर हम काज बनाते हैं उस साइड में हमें इस तरह से हुक लगाना होता है। हमें कॉलर के सेंटर में हुक को लगाना है और हुक इतना बाहर दिखता हुआ रहना चाहिए, ठीक है। ऐसे ना हो कि हमने हुक को अंदर लगा दिया या ज़्यादा बाहर ले लिया। हुक सिर्फ इतना सा ही बाहर दिखेगा इस तरीके से। और यहाँ पर हम ये जो हमने फिजिंग की थी इसको पकड़ते हुए और इस पर हम टांके लगाएंगे इस तरीके से।
इस तरीके से हम इसमें टांके लगा देंगे, हमारा हुक इतना सा देखता हुआ बाहर रहना चाहिए। उसके बाद हमने ये लूप्स बनाया था, इस लूप्स को हमें यहाँ लगाना है। इस लूप्स को हम इस तरीके से लगाएंगे यहाँ पर, यहाँ से हम उसको तुरपाई करेंगे। यहाँ पर तुरपाई करने के बाद हम इस तरीके से यहाँ तक हम तुरपाई कर देंगे, ये और यहाँ दो टांके हम पक्के लगा देंगे। उसके बाद ये जो हुक है इसके यहाँ से हम एक टांका निकालेंगे इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक, और बिल्कुल इसकी जड़ में चापे की तरह हम इसको, यहाँ पर हमें दो टांके निकालने हैं, एक यहाँ पर निकालना है इस तरीके से, उसके बाद फिर हमें यहाँ से तुरपाई करनी है। इस तरीके से ये हमारा हुक लग जाएगा, हाई है ये, हाई लग जाएगी, और बीच में जो हमने टांके लगाए हैं उसकी वजह से हमें इसको इधर से कच्चा नहीं रहेगा, ये एकदम पक्का हो जाएगा। इसी तरीके से हमें इधर हुक लगाना है, हुक को हमें ऐसे बाहर नहीं दिखना चाहिए, हुक कभी भी इस तरीके से नहीं दिखना चाहिए, हुक हमेशा छुपा हुआ रहेगा, इस तरीके से अंदर रहेगा, क्योंकि आधा सूत हमने हाई को बाहर निकाला हुआ है। इस तरीके से इसको हम बिल्कुल अगर अंदर नहीं लेंगे तो बिल्कुल इसको किनारी से आधा सूत अंदर ही हम इसको रखेंगे, और फीजिंग को पकड़ते हुए हम इसको भी कच्चा करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हम हुक लगा देंगे, उसके बाद हम इसको एक बार चेक कर लेंगे। इस तरीके से हमारा हुक लग जाएगा, उसके बाद हम इसकी तुरपाई कर देंगे इस तरीके से रख के।
इस तरीके से हम इसकी तुरपाई कर देंगे। इस तरीके से हम इसको यहाँ तक, इसी तरीके से हम इसको यहाँ पर ऐसे कर रख के और फिनिशिंग के साथ इसकी तुरपाई कर देंगे। इसमें हमें यहाँ पर कांटा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये बुकरम का होता तब तो हमें कांटा करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये पेस्टिंग है, इसलिए इसमें हमें कोई ज़रूरत नहीं है। इसको हम इस तरीके से तुरपाई कर सकते हैं। ठीक, इस तरीके से हम पूरी तुरपाई कर देंगे। तुरपाई करने के बाद हमें इसके काज बनाने हैं। काज हमें सबसे पहले काटना होगा। इस तरीके से हम काज को काट लेंगे। और इस जगह पर इस तरीके से कट लगा लेंगे। और उसके बाद इस मार्जिन को हम अंदर मोड़ देंगे इस तरीके से और तुरपाई कर देंगे इसको। बारीक तुरपाई कर देंगे इस पे।
इस तरीके से हम इसकी तुरपाई कर देंगे और ये काज हमारा खुल जाएगा। जैसे ये नीचे से अभी बंद है, यहाँ से कट करके और जैसे हमने इसको काटा था वैसे ही काट के इसको हम खोल लेंगे। इसी तरीके से मैं पांचों काज बनाऊंगा। उसके बाद ये जो मुड्डा है इसमें हम टांके लगा देंगे। इस तरीके से यहाँ ज़्यादा बारीक टाँके लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से हम यहाँ टांके लगा देंगे। इसके गले की तुरपाई हमने कर ली है और इसके काज भी हमने तुरप लिए हैं। सब काजों को हमने खोल दिया है। अब हम इसके बटन लगाएंगे। बटन के निशान कैसे लगाए जाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इस जगह हम इसको मिला लेंगे, इस तरीके से कॉलर को मिला लेंगे हम बिल्कुल ठीक। और नीचे से ये जो हमने डट्स का जो निशान लगा, डट्स जो हमने डाली है इसके ऊपर डट्स रख के इस तरीके से हम इसको रख लेंगे और नीचे से बिल्कुल मिला देंगे। उसके बाद ये जहाँ भी इस तरीके से रख के और आप इस पे निशान लगा देंगे।
अभी आपने देखा जोधपुरी कोट की फिनिशिंग कैसे की जाती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक बटन जरूर दबाइए। जो लोग नए हैं उनको बता दूं, मैं हूं कांता प्रसाद शर्मा। मैं पिछले 40 साल से इस फैशन इंडस्ट्री में हूं, जहां मैंने बड़े डिजाइनर्स और सेलिब्रिटीज़ के लिए काम किया है। इस चैनल पर मैं आपको सिखाऊंगा पैंट शर्ट कोट जैकेट टक्सीडो ब्रीज शेरवानी कुर्ता पजामा, इन सभी की सिलाई और कटिंग की पूरी जानकारी दूंगा। इसके अलावा वो सभी टेक्निक मैं आपको सिखाऊंगा जो आपको एक अच्छा टेलर ही नहीं अच्छा डिजाइनर भी बनाएगी। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।